छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीएम की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में कुर्सी की सियासत पर बीजेपी फिर हमलावर हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हमने तो 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला और ये एक पर ही अटके हुए हैं। जो करना है करें और छत्तीसगढ़ के हित में एक को स्थायी कर ठप्पा लगा दें। दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजनांदगांव में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान रमन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल का और टीएस सिंहदेव का ये खींचातान 1.5 महीने निपट गया भाई। 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। रात को बोलते हैं भूपेश है, दिन में बोलते हैं टीएस सिंहदेव है। छत्तीसगढ़ की स्थिति रोज बिगड़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में निर्णय ले लेना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री है, ये तय राहुल गांधी को करना है। हमारे यहाँ निर्णय कैसे होते हैं, 5-6 महीने गए नहीं है, 5 मुख्यमंत्री बदल गए, ये एक मुख्यमंत्री बनाने में 1 साल लगा देंगे।